किए, वो भी उतने पॉपुलर नहीं हुए जितना बिग बॉस में आप पॉपुलर हुए। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक ही शो किया है, 10 कदम। जी जी 10 कदम, पर अच्छा उससे भी, पर उससे हाँ, उससे ज्यादा, क्योंकि वो एक एक एपिसोड आता है ना यहाँ पर, वो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो मुझे यहाँ तक के बिल्ड करके लेके आते हैं जी। नहीं लेकिन सैटरडे संडे को जो वो हरकतें, जो उनका रोमांस, जो उनके झगड़े, यू नो, जो उनकी केमिस्ट्री, जो उनका ग्रुपिज्म जो चलता है, तो उसके ऊपर से मुझे बहुत सारा मटेरियल मिलता है आके सैटरडे संडे। नहीं नहीं लेकिन लेकिन उसमें आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक तो एक आपकी पॉपुलैरिटी, दूसरा कि आपकी हाजिर जवाबी, या फिर उन लोगों के साथ एक पर्सनल एसोसिएशन जो उनके साथ, पर्सनल एसोसिएशन जरूर हो जाता है। और क्योंकि मैं हर एक एपिसोड दो दो बार देखता हूं तो मुझे पता, आई नो के घर में क्या हो रहा है, कौन क्या गेम प्ले कर रहा है। ये नहीं कि ये सुबह को उठे और ब्रीफिंग मिल गई और जाके वहां पर मैंने इंटरेक्शन शुरू कर दिया, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो बेसिकली मैं जरा पसीना पोंछ के आता हूं, एक सेकंड आप बस जवाब होगा जब। How do you think has Big Boss contributed? Hi, this is Kalpana from @Gully. I have a question for Nadia. You've been associated with Big Boss year after year. What brings you to Big Boss? Big Boss is a great platform. I think it's got a, it's a very unique property. The fact that it is a program that's constructed, that's every single day for a certain period of time. The show itself, I believe, lends itself, it complements the brand values that we're building for Happy Fizz. And we think that it creates a great top of mind for our brand. Nadia, this year you've got Salman as your brand ambassador. You think associating with Colors and associating with Big Boss will give a boost to your brand? I think like...